हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट गैजेट्स या फिर मस्ट हैव गैजेट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप अगर स्टूडेंट हो स्कूल या कॉलेज में तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मस्ट हैव या इम्पोर्टेंट गैजेट आपके पास होना चाहिए वो है एक लैपटॉप। वैसे तो मैं आपको एक पीसी ही सजेस्ट करता, क्योंकि पीसी में आपको मच मोर वैल्यू मिलता है इन कंपैरिजन टू परफॉर्मेंस। पर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इवेंट्स के लिए या फिर यहाँ वहाँ आप ट्रैवल करते रहोगे बार बार, तो उसके लिए आपके लिए एक लैपटॉप ही मस्ट हैव गैजेट होने वाला है, जो कि आपके असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हो उसके लिए काम में आने वाला है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि विंडोज लैपटॉप ले या फिर मैकबुक ले, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। तो अगर आपको लाइट वेट इजी टू कैरी लैपटॉप एंड अगर आप एक गेमर नहीं हो तो आप डेफिनेटली मैकबुक्स की तरफ जा सकते हो। मैकबुक का 13 इंच वाला कोई भी मैकबुक एयर ले सकते हो, या फिर न्यूली लॉन्च्ड मैकबुक एयर 15 जो है वो आपका सारा काम कर देगा। यस, विंडोज के कंपैरिजन में मैकबुक थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, पर वो वर्थ रहेगा। मतलब वो आपको बहुत अच्छा वैल्यू देगा कंपेयर टू विंडोज, क्योंकि उसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू विंडोज लैपटॉप। प्लस आप यहाँ वहाँ घूमते रहोगे इवेंट्स के चक्कर में, या बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में एंड स्कूल में होती रहती है, तो उसमें आपको बैग में उसको कैरी करके लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा। वो अंडर 1 kg आपको मिल जाएगा, इन कंपेयर टू विंडोज वो 1-3 kg तक भी चले जाता है। बट अगर आप एक गेमर हो तो आपको डेफिनेटली गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाना चाहिए, जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स भी होता है और उसका प्राइस रेंज 75,000-80,000 के आसपास वाला ले लेना। उससे कम प्राइस में अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू 75,000-80,000 वाला गेमिंग लैपटॉप्स। बाकी आपको मैं बेस्ट बाय लिंक मैकबुक एंड कुछ गेमिंग लैपटॉप जो कि 70,000-85,000 के आसपास आते हैं उसके दे दूंगा, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं एंड जो भी आपको पसंद आता है एंड आपके बजट में बैठता है उसको बाय कर लीजिए। पर अगर आप ये वीडियो 6 months या उसके बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना कि कौन सा विंडोज लैपटॉप अभी के टाइम में बाय करना चाहिए, तो मैं आपको वहां पे बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑल्सो आपको और एक इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर आप 35,000-40,000 वाले लैपटॉप या उससे भी कम प्राइस में लैपटॉप लेना सोच रहे हो तो वो लैपटॉप प्लीज आप प्रीफर मत करना, क्योंकि वो लैपटॉप ना ही आपको अपग्रेडेशन के लिए हेल्प हो जाएगा। सो अगर आप साइड हसल करते हो जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिकल ऐसे कुछ काम करते हो तो वो भी चीज आप 35,000-45,000 के लैपटॉप से नहीं कर पाओगे। सो ये सारे लैपटॉप्स जो मैंने आपको लिस्ट में दिए हैं एंड जो भी आप इनसे अलावा भी अगर आप गेमिंग लैपटॉप्स विंडोज के बाय करते हो तो उसमें 2-4 चीजें ध्यान रखना कि उसमें अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन हो। मतलब अभी अगर उसमें 8 GB का रैम है तो उसमें अलग से एक स्लॉट होना चाहिए जिससे आप 16 GB या 32 GB तक का रैम बढ़ा सकते हो, या फिर स्टोरेज में भी अभी हार्ड डिस्क वाला लेते हो तो आगे जाके उसमें SSD में या फिर NVMe का पोर्ट वो होना चाहिए उसके अंदर, ताकि आप फ्यूचर में उसको अपग्रेड कर सकते हो और आपका जो लैपटॉप का लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया लैपटॉप के बारे में, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट मस्ट हैव गैजेट की तरफ। देखो, लैपटॉप तो आपने ले लिया, पर उसमें मोस्ट लैकिंग चीज होती है पोर्ट्स। मतलब उसके अंदर काफी लिमिटेड USB पोर्ट्स रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये USB हब। और ऐसे हब्स आपको बहुत सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट्स में मिलेंगे, पर मैं पर्सनली QZ का ये 7 port वाला USB हब यूज करता हूं। ये अराउंड टोटल 35 watts की पावर आपको देता है एंड ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल पावर एडाप्टर आता है, जिसका मतलब ये है कि ये USB हब जो है वो पावर आपके लैपटॉप से नहीं लेता है, ये डायरेक्टली ये वाले एडाप्टर से लेता है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका लैपटॉप का बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन नहीं होगा एंड जो भी पावर ये हब लेगा आपके पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए वो ये पावर एडाप्टर से लेगा। मतलब आप पेन ड्राइव लगाओ, कीबोर्ड लगाओ, माउस लगाओ ये USB हब के साथ में और लैपटॉप से अटैच कर लेना और आपका लैपटॉप जो है नॉर्मल चलेगा, मतलब उसमें ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं दिखाई देगा। नहीं तो अगर आप ट्रेडिशनल USB हब्स देखोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे कुछ एक्सटर्नली पावर सपोर्ट नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, वो हब आपके लैपटॉप से ही पावर ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको अगर आपका लैपटॉप पुराना वगैरह
होता है तो आपको वो फील होता है कि आपका बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन हो रहा है। बट मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हब्स की लिंक दे देता हूँ और ये जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ इसका भी दे दूंगा, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यही बाय कर लेना। पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड बजट के हिसाब से हब्स को बाय कर लेना नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू। फर्स्ट गैजेट लैपटॉप हो गया, सेकंड मैंने आपको यूएसबी हब बताया, थर्ड मस्ट हैव गैजेट बताऊंगा जो कि है कीबोर्ड एंड माउस। अभी आप मेरे को बोलेंगे कि लैपटॉप है तो कीबोर्ड एंड माउस की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कहीं पे भी इवेंट पे हो या फिर घर पे भी आप जब भी आते हो तो आप डेस्क पे बैठ के लैपटॉप के साथ काम करोगे एंड हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या साइड हसल कुछ भी आप कर रहे हो आपके कॉलेज या स्कूल के साथ में, एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली करना साइड हसल जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिकल चीजें हो गए या ऐसे कुछ भी। आजकल तो AI वाले टूल्स भी बहुत सारे आए, उसके लिए आपको कीबोर्ड एंड माउस लगेगा ताकि आप रिलैक्स होके अच्छे से आपके प्रोजेक्ट्स पे या असाइनमेंट्स पे काम कर सको एंड साइड हसल पे काम कर सको। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से एंड मैं पर्सनली भी इसको यूज कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका बजट नहीं बन रहा है इतना तो आप मेमरिन कीबोर्ड्स की तरफ भी जा सकते हैं, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मैकेनिकल कीबोर्ड ही बाय करना, उसमें आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा होता है, फास्ट होता है एंड स्मूथ होता है। एंड माउस के लिए मैं कॉर्सर का कतर प्रो ये वायर्ड वाला वर्जन सजेस्ट करूंगा जो मैं पर्सनली भी यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये देखो ये वाला है और इसको मेरे को अभी 2 साल के आसपास हो गए यूज करते हुए, तो ये भी काफी अच्छा है। मतलब ये गेमिंग माउस है पर बजट वाला गेमिंग माउस है, तो इसके हेल्प से आपका लैपटॉप यूजर्स का एक्सपीरियंस जो है वो और भी एनहांस हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लैपटॉप जो रहते हैं स्पेसिफिकली अगर आप विंडोज लैपटॉप लेते हो गेमिंग लैपटॉप भी लेते हो तो उसका जो टच पैड होता है वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहता है एज कम्पेयर टू मैकबुक्स। एंड मैकबुक भी अगर आपके पास है तो भी अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसे अगर साइड हसल वाले काम कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक कीबोर्ड एंड माउस की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये तो थे 2 सजेशन कीबोर्ड एंड माउस के, पर इसके अलावा भी और भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें से बाय कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, तो ये है आपके लैपटॉप के लिए कवर। हालांकि एकदम अमेजोन बेसिक का बेसिक प्राइस में आपको मिलता है पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। मतलब अगर आपको साइड बैग वाला जो आता है वो टाइप का लैपटॉप कवर पसंद है तो वो वाला बाय कर लेना, पर अगर आपको सिर्फ नॉर्मल कवर चाहिए तो ये अमेजोन बेसिक्स का भी आपके लिए काम आ जाएगा। उसके साथ साथ आप एक बैकपैक लैपटॉप वाला भी ले सकते हो जिसके अंदर 2 लेयर्स रहते हैं, एक स्पंज टाइप लेयर रहता है जिससे आपका लैपटॉप जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। कभी भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे तो प्रेशर की वजह से आपके लैपटॉप को कुछ भी हर्ट नहीं होगा। तो एज ऑलवेज बेस्ट बाय लिंक्स मैं बैकपैक के एंड लैपटॉप कवर्स के दे दूंगा, बाकी आपके रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी लैपटॉप कवर्स बाय कर सकते हो। और मैं तो बोलूंगा कि ये एक मस्ट हैव है, लैपटॉप है आपके पास तो इनमें से कुछ भी आप बाय कर लेना। देखो लैपटॉप तो है आपके पास एंड ऐसे बहुत सारे गैजेट्स भी आज के टाइम में आपके पास में होंगे, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजिंग बैग भी जरूरी है। तो आपके सारे मेमोरी कार्ड, SD कार्ड्स, केबल्स जो भी रहते हैं, USB केबल्स हो या फिर दूसरे पेरिफेरल्स जैसे पेन ड्राइव्स वगैरह हो, उसको कैरी करने के लिए एक अच्छा सा बैग चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ केबल ऑर्गेनाइजिंग बैग्स जो है वो डाल दूंगा, तो उनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हो। ये जनरली 100, 200, 300, 800 से ऊपर भी आपको मिलते हैं, तो आपके बजट के हिसाब से एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। हालांकि लेदर वाले जो है वो प्रिफर्ड रहते हैं, पर अगर आपका बजट उतना नहीं है डेफिनेटली आपको पेरेंट्स से पैसे लेके वो बाय करना पड़ेगा। तो जो बेसिक वाले आते हैं वो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनमें से आप कुछ भी बाय कर लेना ताकि आपका केबल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी आसान हो और जब भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा इमीडिएटली आपको कुछ चाहिए रहेगा तो वो ऑर्गेनाइज रहेगा, तो आप उसमें से जो भी आपके पेरिफेरल्स है केबल्स है वो निकाल के यूज़ कर सको। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मस्ट हैव आपको चाहिए वो है एक स्लिंग बैग या फिर ऐसे वेस्ट बैग। तो दोनों ले सकते हो या दोनों में से कोई एक ले सकते हो। दिखने में भी ये काफी कूल लगता है एंड आपके जो भी मनी है या फिर ऐसे कुछ चीजें होती है इम्पोर्टेंट चीजें, ID कार्ड जैसे या फिर पासपोर्ट जैसे चीजें होते हैं वो आप ये वाले बैग्स में कैरी कर सकते हो जो कि काफी हैंडी रहती है और आपके शोल्डर या वेस्ट पे ये आ जाती है। अगर ये छोटा वाला लेते हो वेस्ट डिजाइन वाला तो ये आप वेस्ट पे एंड ऐसे ओवर द चेस्ट पहन सकते हो, पर
अगर ये साइड वाला बैग लेते हो, स्लिंग बैग जनरली इसको बोलते हैं, तो ये आप वन पैटर्न में ऐसे ही शोल्डर पे लगा के यूज कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो, दोनों मैंने खुद परचेस किया हुआ है, तो उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपके बजट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मस्ट हैव है, जो कि है एक गुड क्वालिटी हेडफोन्स। वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, पर मैं आपको कुछ सजेशंस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाले आप बजट में हेडफोन्स बाय कर लेना। और हेडफोन्स आपको जरूर लगेंगे, जो भी आप साइड हसल्स वगैरह करोगे उसके लिए आप ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगे, एंड आपका लिसनिंग म्यूजिक का एक्सपीरियंस जो है वो काफी एनहांस हो जाएगा। बाकी अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हो तो नेक बैंड्स या TWS भी आप प्रिफर कर सकते हो, पर नेक बैंड्स एंड TWS में मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक बैंड जो है वो काफी अच्छा वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू TWS। मतलब 2000 का नेक बैंड अगर आप बाय करते हो या उससे भी कम प्राइस का नेक बैंड बाय करते हो, तो वो अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू TWS। तो दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, या फिर सिर्फ एक हेडफोन्स जो है वायर हेडफोन्स को प्रीफर कर लेना, ताकि आपका सारा काम हो जाएगा, जिसके अंदर कॉलिंग, साइड हसल भी आपका हो जाएगा, एंड गेमिंग वगैरह भी अगर आप करते हो तो वो भी चीज आपका हो जाएगा। देखो जनरली अगर आप गेमिंग करते हो तो TWS या कोई भी वायरलेस ऑडियो डिवाइस या हेडफोन जो है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पबजी जैसे FPS गेम आप खेलते हो तो उसमें आपको बहुत सारा डीले देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप वायर्ड ही हेडफोन्स, ईयरफोन्स जो भी आपको पसंद है वो आप बाय कर लीजिए। तो उनके सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आपको पसंद है आपके बजट के हिसाब से बाय कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। कभी कभी आपको अच्छे प्राइस में लैपटॉप तो मिलता है, पर उसका स्टोरेज सिर्फ 500 GB का होता है, एंड अगर 1 TB का भी स्टोरेज हो तो भी अगर आप 100 GB की गेम्स भी अगर लैपटॉप में डालते हो तो वो भी फुल हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल SSD या HDD मतलब हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो उसके लिए मैं कुछ आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो सजेस्ट करता हूँ। अगर आपका बजट लो है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेना, पर अगर आपका बजट अच्छा है तो SSDs आप प्रिफर कर सकते हो। हालांकि इसमें और एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि मेरे को लैपटॉप वाले सेक्शन में बताना चाहिए था, जो कि है अगर आप लैपटॉप्स ले रहे हो तो उसके अंदर मेन प्राइमरी ड्राइव जो है जिससे आपका लैपटॉप बूट होगा उसमें अगर SSD होगा तो और भी अच्छा चीज होगा। मैकबुक्स में ये केस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैकबुक में ऑलरेडी SSDs आती है और वो कंपेयर टू विंडोज लैपटॉप्स काफ़ी फास्ट होती है, पर अगर आप विंडोज लैपटॉप्स ले रहे हो तो उसमें वो ध्यान देना कि आपका बूट ड्राइव जो है वो स्पेशली SSD होना चाहिए। बाकी स्टोरेज ड्राइव्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो आपके जो फाइल्स रहेंगे वो ज़्यादा करके टेक्स्ट बेस्ड फाइल रहेंगे, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा करके वर्ड, PDF ऐसे होते हैं। पर उसके साथ साथ आप आपका पैशन फॉलो करोगे, स्किल्स ग्रो करने के लिए जो जो चीज़ें करोगे उसमें आपके मल्टीमीडिया फाइल्स जैसे कि वीडियो, ऑडियो फाइल्स वगैरह भी रहेंगे, या फिर कुछ आपके मेमोरीज भी रहेंगी स्कूल एंड कॉलेज की, जो फोटोज है या वीडियोज है। आजकल तो बहुत सारे लोग फोटोज कम खींचते हैं पर वीडियो ज्यादा खींचते हैं, तो अगर 4K वगैरह फुटेज रहेगा तो आपका स्टोरेज जो है जल्दी फिल हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सटर्नल ड्राइव्स जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है केबल प्रोटेक्टर्स। ये आपको अंडर 100 rupees भी मिल जाता है, ये भी एक मस्ट हैव है, क्योंकि आप जब भी चार्जिंग करते हो आपके लैपटॉप्स को या फिर आपके मोबाइल्स को, तो उसके वायर्स जनरली ये जो अटैच करने वाला पार्ट है उसके ऊपर जो है वो बेंड होके या कुछ भी आप जो भी काम करते करते वो डिटोरेट होते जाता है और ओवर द टाइम जो है वो खराब हो जाता है और कभी कभी वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसे अगर केबल प्रोटेक्टर्स आप हमेशा लगा के रखते हो तो सारे केबल्स पे ही लगा के रख देना, तो आपका केबल जो है वो ज्यादा ड्यूरेशन के साथ में चल सकता है। बाकी इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोशिश करना वो लिंक से बाय करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पावर बैंक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10-20,000 वाला पावर बैंक जो है वो हमेशा अपने पास में रखना। हो सकता है जैसे अभी रेनी सीजन चालू है, जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको कांटेक्ट करना है अपने लव्ड वंस के साथ में या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह के साथ में, तो आपका बैटरी जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, स्मार्टफोन का हो या लैपटॉप का हो, जिससे भी आप कम्युनिकेट करते हो अपने लव्ड वंस के साथ में। तो उसके लिए आप एक पावर बैंक हमेशा आपके पास में रखना। मैं जनरली रियलमी, रेडमी, वन प्लस जैसे पावर बैंक जो है वो प्रीफर करता हूँ। ये लाइट वेट भी होते हैं और ज़्यादा टाइम तक चलते भी है, 3-4 years या उससे भी ज़्यादा चलते हैं। तो उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये पावर बैंक्स को बाय कर सकते हो, जिसके हेल्प से आपके फोन को, लैपटॉप को ये पावर देगा एंड आप आपके लव्ड वंस के साथ में हमेशा कनेक्टेड रह सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है लैपटॉप स्टैंड। वैसे तो बहुत सारे लैपटॉप स्टैंड्स आते हैं,
है, पर अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप ऑफ करते हो तो थोड़ा सा हैवी वाला लैपटॉप स्टैंड जो है वो आप बाय कर लेना, क्योंकि विंडोज़ लैपटॉप जनरली 1-3 kg तक जाते हैं। तो अगर आप ये हल्के वाले या फिर ज़्यादा पोर्टेबल वाले जो लैपटॉप स्टैंड से वो लोगे तो वो टूटने का संभावना रहता है। मैं पर्सनली तो ये बाय कर चुका हूँ अपने विंडोज़ लैपटॉप के लिए, पर आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। मैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर पोर्टेबल भी आता है, जो कि ये अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो जो कि आप इजीली कैरी भी कहाँ पे भी कर सकते हो। और सब कुछ स्टिकी स्टैंड्स भी आते हैं जो कि लैपटॉप को ही स्टिक हो जाते हैं, जो कि पोर्टेबल भी होते हैं। तो स्पेशली अगर आप मैकबुक्स वगैरह ऑफ करते हो तो ये स्टिकी वाले लैपटॉप स्टैंड जो है वो आप प्रीफर कर लेना। हालांकि लैपटॉप है तो स्टैंड्स की क्या जरूरत है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मैकबुक्स में आपको इतना यूज नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका वेट जो है इतना ज्यादा नहीं रहता है, तो आप लैप्स में उसको यूज कर सकते हो। पर फिर भी आपका जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर जो है वो खराब हो सकता है, तो उसके लिए अगर आप लैपटॉप स्टैंड लेते हो तो आप जो है ऐसे बेंड नहीं करोगे, आप सीधा बैठ के अपने लैपटॉप्स को यूज़ करोगे और लॉन्गर रन में आपको काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। तो दोनों विंडोज़ एंड मैकबुक्स के लिए यह ऐसे लैपटॉप स्टैंड जो है वो यूज़फुल है एंड कंपलसरी आपको बाय करना ही चाहिए। तो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एंड लाइकिंग के हिसाब से आप बाय कर लेना। बाकी मैं विथ फैन, विदाउट फैन एंड ऐसे पोर्टेबल स्टाइल के जो भी लैपटॉप स्टैंड है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर उसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए वो है एक गुड क्वालिटी चेयर। वैसे तो अर्गोनॉमिक चेयर जो है वो बेस्ट रहती है, पर अगर आपकी इच्छा एंड बजट है तो आप गेमिंग चेयर्स को भी प्रीफर कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा ज़्यादा भी बजट वाला चेयर मत लेना, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपकी हिंडर होती है और उससे फिर आपको अलग अलग बैक पेन्स या फ्यूचर में अलग अलग जगह पे स्पाइनल पेन्स जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो एक मीडियम रेंज मतलब 10,000-12,000 के बीच में जो भी अर्गोनॉमिक चेयर्स आती है वो बाय कर लेना, जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। अच्छा, एक क्लीनिंग टूल भी आपको ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप TWS जैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ये अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ में आता है, ये पहले तो ऐसे ब्रश का काम करता है, फिर इसके अंदर आपको TWS क्लीन करने के लिए अलग अलग टाइप्स के ब्रशेस दिए हुए हैं एंड ऐसे नीब जैसे ये भी दिया हुआ है इसके अंदर, जिसके हेल्प से आप आपके ईयरफोन्स हेडफोन्स जो है वो उनके डर्ट्स जो है निकाल सकते हो, या फिर आपके स्मार्टफोन के स्पीकर्स के डर्ट्स भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये भी एक क्लीनिंग टूल है जो कि under 100 rupees आपको मिल जाएगा, 200-300 का भी मिलता है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने पर्सनली ये बाय किया हुआ है, पर इसके जैसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इनमें से आपको जो पसंद आता है, जो आपके बजट में है, वो आप डेफिनेटली बाय कर लीजिए। देखो, वैसे तो आपको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना चाहिए, पर सेफ्टी पर्पस के लिए ये वाला जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, जो कि है ब्लू लाइट ग्लासेस, जो कि लेंस कार्ड का मेरे हिसाब से काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डेफिनेटली आप प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा काम जो है आपका स्क्रीन के सामने ही होता है, स्पेशली आपके पास प्रोजेक्ट या असाइनमेंट हो तो आप लैपटॉप में लगे रहोगे, और उसके बाद में भी आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपका लैपटॉप यूज करोगे, पीसी यूज करोगे, या फिर आपका स्मार्टफोन भी आप यूज करोगे, तो आपके आईज प्रोटेक्शन के लिए ये ब्लू लाइट वाला जो ग्लास है वो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो यूज करने के लिए, ताकि लॉन्गर रन में आपके आईज को ज्यादा हर्ट ना हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है एक व्हाइट बोर्ड। वैसे तो आजकल बहुत सारे नोट एप्स आपके स्मार्टफोन में एंड लैपटॉप्स में आप विंडोज के साथ या मैकबुक के साथ में यूज कर सकते हो, पर एक व्हाइट बोर्ड अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें आप आपके जो फ्रिक्वेंटली चीजें हो रही है वो आप वहां पे नोट डाउन करके रख सकते हो, आपका शेड्यूल नोट डाउन करके रख सकते हो, एग्जाम्स आ रहे तो उनके डेट्स जो है वो सामने रख सकते हो, ताकि आप उसके लिए काफी पहले से प्रिपेयर कर सको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है व्हाइट बोर्ड, आप डेफिनेटली इसको भी कंसिडर करना आपके मस्ट हैव गैजेट्स के लिस्ट में। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, वो आता है एक गुड क्वालिटी मॉनिटर। अभी आप मेरे को बोलोगे कि अगर मैंने लैपटॉप लिया है तो मॉनिटर की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे भी वापस आपको मैं वही सजेस्ट करूंगा कि जितना बड़ा आपका स्क्रीन रहेगा उतना इजीली विजिबल रहेगा, आपको आईज को स्ट्रेन नहीं होगा और आपका वर्क फ्लो जो है काफी फास्ट होगा, क्योंकि क्लटर्ड चीजें नहीं रहेंगे। बड़ा मॉनिटर रहेगा तो उसमें सारी चीजें आप इजीली नोटिस करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक गुड क्वालिटी 2K 144Hz वाला मॉनिटर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, पर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है तो आप 1080p 75Hz वाला मॉनिटर जो है वो भी बाय कर सकते हो, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इनमें से आप कोई भी बाय कर लेना, आपका काम आसानी से हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ब्लूटूथ स्पीकर। स्पेशली अगर आप एक्टिंग वगैरह करते हो, स्किट्स वगैरह करते हो या फिर डांस वगैरह करते हो तो ब्लूटूथ स्पीकर जो है एक मस्ट है। तो आप एक बजट स्पीकर की तरफ भी जा सकते हैं, पर अगर आपका बजट अच्छा है तो JBL जैसे बड़े बड़े स्पीकर जो आते हैं, बूम बॉक्स जो आते हैं, वो भी आप प्रीफर करना जो ब्लूटूथ की हेल्प से चलते हैं, जिसका साउंड जो है काफ़ी अच्छा रहता है। और ऐसे जब आप एक्टिविटीज़ करोगे स्कूल्स में, कॉलेज में, तभी आपको उसमें से म्यूजिक लिसनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर करना। ये भी ब्लूटूथ स्पीकर्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मेरे को लगता है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है एक गुड क्वालिटी वॉलेट। हालांकि स्लिंग बैग या फिर ये जैसे वेस्ट बैग मैंने आपको सजेस्ट किया था उसमें भी आप आपके मनी को रख सकते हैं, पर एक गुड क्वालिटी वॉलेट भी अगर आपके पास रहेगा तो वो भी आपका काफ़ी अच्छा काम कर देता है। तो देख लेना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बाय कर लेना। दोनों बाय करना है तो दोनों बाय कर लेना, या फिर सिंगल सिर्फ वॉलेट ही रखना है तो वो भी आप बाय कर सकते हो। इनके भी मैं बजट वाले लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी बढ़ते हैं लास्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि मस्ट हैव एज अ स्टूडेंट आपके पास होना चाहिए, वो है कैटल। स्पेशली अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो तो कैटल का बहुत यूज होता है क्विकली मैगी, चाय, कॉफी या फिर गर्म पानी पीने के लिए। मतलब अगर अचानक से विंटर वगैरह आ जाती है, कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो कैटल जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है पानी वगैरह गर्म करने के लिए। तो डेफिनेटली एक गुड क्वालिटी कैटल आप प्रिफर करना। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैटल का जो पीक है जहाँ से वाटर बाहर निकलता है वो स्टेनलेस स्टील का देखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैटल्स आते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक वगैरह का यूज किया जाता है जहाँ से पानी जो है बाहर निकलता है वहां पे। तो उससे क्या होगा कि जब आपका पानी गर्म रहता है और जब आप पोर करोगे तो वो हीट से आपको थोड़ा सा स्मेल आता है। अगर वो पीक जो है प्लास्टिक का हो, अगर वो स्टेनलेस स्टील का रहेगा तो उससे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे कुछ लिंक्स कैटल्स के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप डेफिनेटली बाय कर लेना, जो कि आपको 2-3 हज़ार के आसपास आ जाते हैं। वैसे उसमें प्रीमियम भी आते हैं, तो अगर आपको प्रीमियम लेने का मन है तो प्रीमियम भी ले सकते हो, पर बजट वाला कैटल जो है आपका काम आसानी से कर देगा। तो यही थे हमारे मस्ट हैव गैजेट्स जो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करने चाहिए। इसके अलावा आपका कुछ सजेशन रहेगा कोई इसके अलावा प्रोडक्ट्स जो मैंने मिस कर दिए हैं इस लिस्ट में, वो भी आप अगर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड सारे लिंक्स जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको क्लिक करके जाना, ताकि चैनल को भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगा। बाकी आपके सारे स्टूडेंट दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इसके बारे में आइडिया आ जाएगा। बाकी ऐसे ऑसम वीडियोस के लिए अभी तक अपने चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियोस यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।